ये है हमारे पास आज टेक्नो का मोबाइल, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं हो रहा है। तो आपको हम दिखा देते हैं इसमें चार्जिंग की कैसी प्रॉब्लम है। तो देख सकते हैं अभी हमने ये चार्जर इसमें कनेक्ट किया, यहाँ पर ये लाइट जल गई और यहाँ पर ये बैटरी भी शो हो रहा है। ये मोबाइल अभी स्विच ऑफ कंडीशन में है। तो अभी देखिए ये बैटरी इसमें इस तरह चल रही है इसमें, लेकिन जो इसका परसेंटेज है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। ये बैटरी स्टोर नहीं हो रही है। और एक चीज़ हम आपको दिखा देते हैं, ये तो अभी पावर ऑफ कंडीशन में है और इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर इसे पावर ऑन भी करते हैं तो इसमें जो चार्जिंग इंडिकेटर होता है, जो चार्जिंग यहाँ पर शो होता है, वो भी नहीं शो होता है। तो इस कंडीशन में चार्जिंग में कहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको इसमें क्या देखना है, तो सबसे पहले इसका पीसीबी जो होता है उसे आपको चेक कर लेना है। तो अभी हमारा सेट ऑन हो जाए तो आपको दिखा दें कहाँ पर क्या दिक्कत है। तो अभी हमारा सेट ऑन हो चुका है, हम दिखा देते हैं आपको। ये इसमें चार्जर भी लगा हुआ है। तो अभी हम दिखा देते हैं इसमें जो चार्जिंग यहाँ पर शो होता है वो भी नहीं शो हो रहा है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर चार्जिंग शो नहीं हो रहा है, 50% यहाँ पर शो हो रहा है और इसमें जो चार्जिंग इंडिकेटर आता है वो नहीं शो हो रहा है। तो ये अभी ऑन कंडीशन में है सेट हमारा, तो अभी हम इसे ऑफ कर देते हैं। तो जब तक वहाँ नहीं शो होगा तो ये चार्जिंग स्टोर नहीं करेगा। तो हमने इसका पीसीबी निकाल लिया है, हमने इसका ये पीसीबी जो होता है ये हमने इससे निकाल लिया है। तो हमें सबसे पहले इसका कनेक्टर देखना है, या फिर हम इसकी पीसीबी भी चेंज करके देख सकते हैं तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 100% सही हो जाएगा। इन्फिनिक्स और टेक्नो में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो हम देख सकते हैं इसका जो कनेक्टर है वो कहीं रिपेयर किया गया है। तो आपको इसमें देखना क्या है, ये जो इसके जो पिन होते हैं प्लस वाला डीएमडीपी और ये माइनस वाला जो होता है, इन्हें आपको परफेक्ट तरीके से कनेक्ट होना चाहिए। ये जो इनके पीछे वाले ये पॉइंट होते हैं, इन्हें पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपका मोबाइल प्रॉपर तरीके से चार्ज होगा। अदरवाइज चार्ज नहीं होगा ये। तो इसमें कनेक्टर लगाया गया है, तो हम इसे पहले इसका कनेक्टर हटा करके देखेंगे। कोई भी इसका प्रिंट हटा हुआ तो नहीं है, सप्लाई ब्रेक तो नहीं है। अगर ब्रेक होगी तो हम इसके पहले सप्लाई सही करेंगे। तो पहले हम इसकी सप्लाई सही करेंगे, उसके बाद इसमें कनेक्टर लगाएंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे इसमें सही हुआ है या नहीं सही हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इसका कनेक्टर चेंज कर लेते हैं, हटा करके देख लेते हैं इसकी सप्लाई। तो ये अभी हम इसका जो पॉइंट है उन्हें चेक करेंगे। मुझे लग रहा है इसका जो पॉइंट है इसके ब्रेक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है इनकी ब्रेक है इसकी कुछ सप्लाई, तो हम सही करेंगे उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं, तो ये हमारा जो कनेक्टर है बहुत ही परफेक्ट तरीके से लग रहा है। इसके जो प्रिंट है पीछे वाले वो पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। ठीक है, तो आपको ये सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, इसके जो पॉइंट है जो पीछे वाले
5 के 5 पॉइंट जो पूरी तरह से कनेक्ट होने चाहिए, तभी आपका ये टेक्नो का मोबाइल और इन्फिनिक्स का मोबाइल प्रॉपर तरीके से तभी चार्ज होंगे, अदरवाइज ये सही ढंग से चार्ज नहीं होगा, स्टोर नहीं करेगा, कभी चार्जिंग स्लो होगा, कभी नहीं चार्जिंग स्लो होगा। तो देख सकते हैं हमारा जो कनेक्टर है वो भी परफेक्ट तरीके से सोल्ड हो चुका है। ठीक है, अभी हम इसे चेक कर लेते हैं, इसमें असेंबल कर कर चार्जिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ आप करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर परेशान हो चुके हैं आप, इसमें डायोड इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो आपका वो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर बैकअप नहीं ले रहा है आपका, स्टोर नहीं हो रही है बैटरी, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सही ढंग से इसका पीसीबी चेक कर लेना है और चार्जिंग कनेक्टर सही से इसका फिक्स कर देना है, लगा देना है, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तो बाईपास रहता है, जब कोई परेशानी ज़्यादा हो जाती है बोर्ड में तो फिर वही एक आइडिया सही रह जाता है। तो अभी चार्ज हो रहा है और हम इसे पावर ऑन कंडीशन में भी आपको चार्ज इसे दिखा देते हैं। ऑन हो गया, ऑन हो गया सेट हमारा। अभी हम इसका चार्जिंग इंडिकेटर आपको दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा यहाँ पर चार्जिंग शो हो रहा है। ये देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पर चार्जिंग शो होने लगा है। अभी पहले चार्जिंग शो नहीं हो रहा था, तो जब ये पावर ऑन कंडीशन में चार्जिंग शो होगा तभी इसमें चार्जिंग प्रॉपर तरीके से चार्ज होगी, बैटरी स्टोर होगी, अदरवाइज स्टोर नहीं होगी टेक्नो और इन्फिनिक्स में। ठीक है, तो अभी हम इसे चार्ज करके दिखा देते हैं। अभी ये 50% है, थोड़ी देर तक लगा रहने देते हैं, उसके बाद आपको दिखा देते हैं कितना होता है। देख लेते हैं, तो हमारा मोबाइल 52% हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मोबाइल था वो 50% था, अभी 52% हो चुका है। तो देख सकते हैं अभी हमारा मोबाइल बहुत अच्छी तरीके से फास्ट चार्जिंग भी हो रहा है ये। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल की, टेक्नो मोबाइल की और इन्फिनिक्स मोबाइल की चार्जिंग सही कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।